हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डूअर। दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका जीपैट 2020 का सिलेबस, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनकी क्वेरी आती है कि ये नहीं समझ में आ रहा कि सिलेबस में उन्हें क्या कवर करना है और क्या नहीं कवर करना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं डूअर बहुत जल्दी हम लोगों का वेबसाइट शुरू होने वाला है। तो अभी वो नहीं शुरू हो पाया है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 दिन आपके और लगेंगे, क्योंकि उसमें कुछ फाइनल जो आपका टेस्टिंग वगैरह होती है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो अब वो सॉल्व हो गया है और बहुत जल्दी आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जैसे कि आप व्हाट्सएप में बार बार मैसेज करते हो कब आएगा। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे चलेंगे अपना स्टडी मटेरियल शुरुआत कर देंगे तो हम तो यहाँ पे बिल्कुल सही चलेंगे, आपका जो ड्यूरेशन बताया गया है उसमें कोर्स वगैरह कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आपके जो मेहनत करनी है वो आपको लगातार वहाँ पे जारी रखनी है। इसलिए दोस्तों, अभी हमारा टाइम थोड़ा सा लग रहा है स्टडी मटेरियल आने में, लेकिन वो आपको रेगुलर वे में मिलने लगेगा एक बार बस वो वेबसाइट आपकी लॉन्च हो जाए। तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं रहेगी दोस्तों, बस आपकी तरफ से जो मेहनत है वो बराबर होती रहनी चाहिए, ताकि आपको किसी भी चीज़ में आगे प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि जो हम 15 डेज में सोच रहे हैं कि आपका स्टडी मटेरियल जो कोर्स कंप्लीट कराने के लिए उसमें डालते रहेंगे, तो ऐसा ना हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा वो स्टडी मटेरियल एक साथ एक्यूमुलेट हो जाए, फिर आपको वो बोरिंग लगने लगे। इसलिए दोस्तों, आप अपनी तरफ से मेहनत जारी रखिए। जो आपका क्लासिफिकेशन वगैरह है ड्रग का, वो आप अभी से रट्टाफिकेशन लगाते रहिए। मैं रट्टाफिकेशन डायरेक्टली बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, ना कि आपको यहाँ पे कंसर्ट बनाना है। जो कंसर्ट बनाना है वो हमारी जो स्टडी मटेरियल है उसमें से आपको कंसेप्ट थ्योरेटिकल वे में मिलता जाएगा। बाकी जो MCQs वगैरह भी वहाँ पे हर हफ्ते आपके वीकली टेस्ट होंगे, और आपका जो MCQs है यहाँ पे भी अपडेट होता है। जैसे आपका रैंकर सीरीज़ चल रहा है तो वो भी आज ही आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो नेक्स्ट रैंकर सीरीज़ है। तो दोस्तों, हमारी तरफ से थोड़ा डिले है, लेकिन हम अपने ट्रैक में आ जाएंगे जैसे ही हमारा पब्लिश होगा वेबसाइट। लेकिन आप अपनी तरफ से अभी से ही एफर्ट डालते रहिए। अगर आपको अंडर 100 रैंक चाहिए, मैं क्वालिफिकेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ क्वालिफाई हो जाओ, क्योंकि क्वालिफाई तो दोस्तों आप हो ही जाओगे, ये बहुत आसान है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो केवल सिलेबस ही नहीं है, बल्कि ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपका सिलेबस बहुत वास्ट दिखता है लेकिन ये है बहुत कम। मीन्स आपको बहुत इसमें जो है, अगर आप स्ट्रेटजिक वे में चलोगे तो ये बहुत सिंपल है इसको क्वालिफाई करना। तो दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953703693। इस पर आप हमसे कोई भी क्वेरी डाउट वगैरह यहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे बहुत से बच्चे इस समय जुड़ चुके हैं, अभी हम उनको एक ग्रुप में इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि दोस्तों अभी केवल वहाँ बातें होने लगेंगी, तो हम ऐसा कोई ग्रुप नहीं चाहते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, आपकी जो भी क्वेरी है हम रेगुलर वे में उसको आपको पर्सनली वहाँ पर सॉल्व कराते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल से भी अगर कोई आपकी क्वेरी वगैरह है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबस जीपैट 2020 की, और मैं आपको बता दूं कि अभी जीपैट 2020 का जो सिलेबस है वो नहीं आया है। लेकिन अभी जैसे आप पहली बार इसको दे रहे हो, लेकिन मैं रेगुलर वे में ये सब चीज़ें अपडेट करता रहा हूँ, मुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आते हैं, और अगर कुछ चेंजेस आते भी हैं जो पहले देखे गए हैं तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ डाल रखी है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये बिल्कुल 2020 का नहीं है तो ये अभी कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारा सिलेबस एक ही रहता है। तो दोस्तों, पहला है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें आपका कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, थर्मोडायनेमिक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं इसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा, ताकि आप अपनी तरफ से जो एफर्ट डालना है वो डालते रहिए, वरना हमारे स्टडी मटेरियल जब आएगा तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ कवर हो ही जाएंगी। तो दोस्तों, पहला है कंपोजिशन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, मतलब ये एक्चुअल वे में इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो हम उस चीज़ को नहीं लेके चलेंगे। फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको देखने को मिलता है, सॉल्यूशन से देखने को मिलता है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, काइनेटिक्स है। तो यहाँ पे तीन ये मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके। फिर मैटर फिजिकल फार्मेसी में आपका मैटर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको आप देख लीजिए। माइक्रोमैटिक्स एंड पाउडर रियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है,
सरफेस इंटरफेशियल फिनोमेना ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी, इसमें दोस्तों आपको डिफिनीशन वगैरह ही यहाँ पे याद करनी है। अब ये डिफिनीशन वगैरह आपको याद भी क्या करनी है, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो वहाँ पे डिफिनीशन अपने आप आपको याद हो जाती है, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत बार प्रैक्टिकल वहाँ पे परफॉर्म कर चुके हो। वो डिस्पर्सन सिस्टम है, कम्प्लेक्सेशन है, बफर है, बफर में से भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, और सॉल्युबिलिटी में से भी आपको कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें जनरल प्रिंसिपल्स हैं, डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप्स है, एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स है, डिफरेंट एरोमेटिक क्लासेस ऑफ कंपाउंड है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, कार्बोनिल केमिस्ट्री है, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है, ब्रिज रिंग्स, काइनेटिक्स एंड थर्मोडाइनमिक कंट्रोल है। तो दोस्तों मैं इसमें से आपको कुछ भी नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कभी देखने को मिलता है कभी नहीं देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं उसमें आपका ऑलमोस्ट कवर ही हो जाएगा। आप उसके लिए अगर इंडिविजुअल वे में एक एक चैप्टर पढ़ते चलोगे तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, बहुत ही आपका लेथार्जिक हो जाएगा, वास्ट सिलेबस हो जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपका माइंड स्किप करने लगेगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपके स्टडी मटेरियल में भी वहाँ प्रोवाइड करूँगा, साथ ही साथ जो एमसीक्यूज़ हैं तो उसकी सहायता से आप ये जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको कर लेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स एंड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। फिर आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज से कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, मोनोग्राफ से आपके एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आइसोटोप से भी इसी तरह, डेंट्रीफाइसेस, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स और एंटी कैंसर एजेंट, ये भी आपने आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये सब चीज़ें आपके फार्माकोलॉजी में ही कवर हो जाएंगे। थेरेप्यूटिक क्लासेस ऑफ ड्रग मेडिसिनल केमिस्ट्री में, जैसे कि इसमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हैं दोस्तों कि जो मैक्सिमम आपके क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो क्या है कि फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी और मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये तीनों ही एक कोरिलेशन में चलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इंडिविजुअली नहीं कह सकते हो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री से यहाँ 50 क्वेश्चन आए थे या 60 क्वेश्चन आए थे, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोरिलेटेड चलता है। आपको कभी ये नहीं पता चल पाता है कि जो क्वेश्चन आया है ये एक्चुअली फार्माकोलॉजी से ही है, ठीक है, आप उसको मेडिसिनल कैटेगरी में डाल देते हो या मेडिसिनल का फार्माकोलॉजी में डाल देते हो। तो इसलिए इनमें आप बहुत ज़्यादा भयभीत ना हो, क्योंकि जो लड़के हैं ज़्यादातर मेडिसिनल केमिस्ट्री में ही वो डरे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जो मैंने आपको 5 मेन सब्जेक्ट बताए हैं अगर आपके वो कवर हो गए हैं, ठीक है, आप उसको कवर कर लेते हैं तो बहुत ही आसान है, इसको आप क्वालिफाई हो के रहोगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, थेरेप्यूटिक क्लासेस ऑफ ड्रग्स, वेरियस क्लासेस ऑफ थेरेप्यूटिक एजेंट्स, आपका डिफरेंट क्लासेस यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे कवर करने ही है, ठीक है दोस्तों। कहने वाला जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसको आप बिल्कुल हेक्टिक ना समझें, ये आपके जो है बाकी सब्जेक्ट से भी वहाँ पे कोरिलेट होके कवर हो जाएंगे। इनका सिंपली आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको वास लगता है, लेंदी लगता है, तो इसका आपको क्या करना है, एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल वे में नहीं चलना, थ्योरेटिकल वे बहुत वास्ट होगा, ठीक है, आप उसको नहीं कवर कर सकते हो। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज करोगे उतना ज़्यादा आपका वहाँ पे चांसेस बढ़ेंगे। फिर फार्मास्यूटिक्स है दोस्तों, फार्मास्यूटिक्स में फार्मेसी प्रोफेशन है, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल्स है, इंट्रोडक्शन टू डोसेज रेजिमेन है, सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन, एलोपैथिक डोसेज फॉर्म, क्यूड एक्सट्रैक्ट, एलर्जेनिक एक्सट्रैक्टा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्लांट, लोकेशन, लेआउट, डोसेज फॉर्म, नेसेसिटीज एंड एडिटिव्स। तो दोस्तों फार्मास्यूटिक्स आपकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके स्टडी मटेरियल में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि ब्रह्मांकर जब आप फार्मास्यूटिक्स में जाते हो, ठीक है, तो आपको जो ब्रह्मांकर के आपके ऊपर के 5 या 6 चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह फार्माकोलॉजी में आपके 10 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसी तरह आप जो ज्यूरिसप्रूडेंस में जाते हो तो उसमें आपका जो आपका कॉस्मेटिक्स वाला सेक्शन है, जो आपका जो कौन सा चैप्टर है जिसमें एक तो आपके एक्ट सारे आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसी के लिए हम अपना स्टडी मटेरियल ला रहे हैं और उसी के लिए हम अपना वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा विलंब लग रहा है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इस बार हमारे पास सफिशेंट टाइम है तो आपका कवर भी हो जाएगा, आप उसके लिए परेशान मत हो। फिर आपका पाउडर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, कैप्सूल्स इंपॉर्टेंट है, टैबलेट्स इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पेरेंटल्स भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सस्पेंशन,
इमल्सन, सपोस्ट्रीज, सेमी सॉलिड्स और आपका लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये सारे ही आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चैप्टर का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आप सबको एक साथ पढ़ने लगे, कहने बोला आपने लैकमैन उठाई और सब बड़े बड़े चैप्टर पढ़ने लगे, ऐसा नहीं है। सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और किस पेज में क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ के भी ऊपर जो वीडियो है वो आपको अवेलेबल है दोस्तों, वो आपके स्टडी मटेरियल में मिलेगा मिलेगा। आपका जो फार्माकोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर है, कौन से पेज में कौन सा फिगर इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ पे भी वहाँ पे आपका वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो दोस्तों आपको सिंपली वही पढ़ना है। मेरा बार बार कहने का ये मतलब दोस्तों, जब आप सारी चीज़ें पढ़ने वाले आते हो तो आपका माइंड वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हो सकता है उसको स्किप कर दे और जो आपके फालतू की चीज़ें हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। क्योंकि हर माइंड की एक कैपेसिटी है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि स्मार्ट वर्क किसको कहते हैं, तो वो चीज़ें हम गाइडेंस देंगे आपको, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। फिर आपका फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं, प्री फॉर्मुलेशन है, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेटर प्रोडक्ट्स, प्रोलॉन्ग एक्शन फार्मास्यूटिकल्स, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस आपको एम फार्मा में भी लगेगी, ठीक है। और आपको रिसर्च वर्क के लिए यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो NDDS सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर GMP एंड वैलिडेशन है, पैकेजिंग मटेरियल्स है, कॉस्मेटिक्स है, पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स। ये फार्माकोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको बताया फार्माकोलॉजी एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको आता है बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, तो ये मात्र एक ऐसा यहाँ पे बाहुल्य टाइप सब्जेक्ट है जो आपको वहाँ पे क्वालिफाई करा देगा। कहने का मतलब अगर आपको केवल यही सब्जेक्ट भर आता है तो भी आप वहाँ पे क्वालिफाई हो, ठीक है। 500 में से आप 145 नंबर जनरल कैटेगरी में लाते हो तो क्वालिफाई हो। तो KDT के इतने क्वेश्चन आते ही हैं कि आप वहाँ पे आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। वो भी मैं जनरल कैटेगरी के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको अंडर 100 रैंक लानी है दोस्तों। इस बार ये नहीं सोचना कि केवल क्वालिफाई होना है, भले आप एवरेज स्टूडेंट रहे हों, रैंकर स्टूडेंट रहे हों क्लास में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। यहाँ पे पिछले बैच में भी सारे एवरेज बच्चे यहाँ पे अब नाइपर में बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे कॉलेज में उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी अपने माइंड से पहले ये जो मन में काई जमी है इसको हटाइए, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी कि इस प्लेटफॉर्म में, GPAT के प्लेटफॉर्म में स्ट्रेटजिक वर्क मांगता है, ना कि आपकी क्लास में कौन सी रैंक आई है, यूनिवर्सिटी में कौन सी रैंक आई है, आपने कितना वहाँ पे पढ़ा हुआ, आपने ठाकुर प्रकाशन या आपने किसी गाइड से पढ़ा हुआ, इससे कुछ रिलेशन, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी में आपके सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं दोस्तों, और ये आप देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको करने हैं। इसके जो फर्स्ट 10 चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ही हम आपको वीडियो वहाँ अवेलेबल करेंगे, थ्योरेटिकल वे में आपको समझाएंगे। क्योंकि मैंने बताया आपको दोस्तों कि 10 चैप्टर जो शुरुआत के हैं उसको आपको अच्छे से करना है, थोड़ा स्ट्रेटजिक वे में चलना है, बाकी आपको क्लासिफिकेशन वगैरह ही करने हैं। और जो पीछे के भी चैप्टर्स हैं तो उन पे भी आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे कि कौन सा कॉन्ट्राडिक्टेड आपका ड्रग है, कौन सा वहाँ पे जो है वो रिएक्शन कॉज करता है, तो ये सारी चीज़ों की वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। फिर फार्माकोग्नोसी है, तो ये फार्माकोग्नोसी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिसमें इंट्रोडक्टरी फार्माकोग्नोसी है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी ऑफ क्रूड ड्रग है, टेक्निक्स ऑफ माइक्रोस्कोपी है, इंट्रोडक्शन टू फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, फार्मास्यूटिकल एड्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, टॉक्सिक ड्रग्स, एंजाइम्स, नेचुरल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, एडल्ट्रेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, बायोजेनेटिक पाथवे, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, टैनिंस एंड वोलेटाइल ऑयल्स, रेसिनस ड्रग्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्कोलॉइड्स, एक्सट्रैक्शन एंड इजोलेशन टेक्निक्स। और दोस्तों फार्माकोग्नोसी में आपके जो शुरुआत में रैंकर सीरीज चली है तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम और वहाँ पे हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी रखे गए हैं तो फार्माकोग्नोसी से ही थे, तो आप चाहें तो वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को भले ही हार्ड लगे लेकिन स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ डेवलप किया जा रहा है अंडर 100 रैंक के लिए, ठीक है। आप इसको ये मत सोचिए कि क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ डेवलप किया जा रहा है, अगर क्वालिफिकेशन के लिए किया जाता कि आप सिंपली क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है, और बाद में आगे चल के स्ट्रगल करो, तो वो भी हमारी कोई मंशा नहीं है। हम आपका साथ अगर यहाँ से ले चल रहे हैं तो आप जब तक नाइपर का एग्जामिनेशन नहीं दे दोगे तो हम अपना हाथ पीछे नहीं खींचते हैं। ये आपका कोई भी हो जो हमसे पहले जुड़ा हो सीनियर, उससे आप पता
कर सकते हैं कि लास्ट तक उनको सारी वीडियोस मिली हैं, सारी डिटेल्स मिली हैं, सारे कट ऑफ उनको मिले हैं, और वो बच्चे जो एवरेज थे कभी क्लास में, जिनके कभी 60-65% आए थे, वो भी आज नाइपर में बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्शन एंड इजोलेशन टेक्निक्स हैं, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स है, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स है, हर्बल फॉर्मुलेशंस है, वर्ल्ड वाइड ट्रैक्ट ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड वोलेटाइल ऑयल्स है, हर्बल कॉस्मेटिक्स है, ट्रेडिशनल हर्बल ड्रग्स है, प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, पेटेंट्स, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करें तो दोस्तों ये सब भी आपका ठीक ठाक ये चैप्टर है जिसमें से कभी कभी आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मेसी, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्री एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, पोटेंशियोमेट्री, मिसलिनियस मेथड ऑफ एनालिसिस, कैलिब्रेशन, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्रिक एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री, प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, पोलेरोग्राफ है, नेफ्लो एंड टर्बिडीमेट्री है, क्रोमेटोग्राफी है, और आपके जो मिसलिनियस अदर चैप्टर्स हैं। फिर बायोकेमिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो आपको बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के, आपको यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के आपके 1000 एमसीक्यूज जो आपका स्टडी मटेरियल आने वाला है उसमें मिलेंगे। तो आपको यहाँ चैप्टर पढ़ने और इतनी मोटी वॉल्यूम लेके चलने, पैनिकर जैसी आपकी मोटी वॉल्यूम लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के आपको एमसीक्यूज इतने प्रोवाइड किए गए हैं स्टडी मटेरियल में, ठीक है, जो आपके डिफरेंट आपके यहाँ से मेरे ख्याल से 10 से 12 स्टडी मटेरियल में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो उन स्टडी मटेरियल में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, जो इधर उधर के मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं ना, उससे वहाँ पे अवेलेबल कर दिए गए हैं। तो आप जब उनसे केवल एमसीक्यूज को लगाते हो, जैसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो सारी चीज़ें वहाँ पे आती जाएंगी और आपको वहाँ पे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये सब जो चैप्टर है आप चाहो तो अपनी तरफ से कर सकते हो, लेकिन इनको तब करना जब आप जो आपके पांच मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं वो कवर हो जाए, तो ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में ये आपके चैप्टर हैं, फिर बायोटेक्नोलॉजी है, तो इन सब में क्या है कि हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए जाएँ, उन एमसीक्यूज में ही से घूम फिरा के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फिर बायोटेक्नोलॉजी, डिराइव्ड प्रोडक्ट्स, फर्मेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर बायोटेक्नोलॉजी का है, फिर माइक्रोबायोलॉजी का मैंने बताया आपको कि बहुत आपको क्वेश्चन यहाँ मिलने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के, ये अभी तैयार किए जा रहे हैं, अभी आपके 300 माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होके हमारे पास रखे हैं, जो हम आपको किसी भी आपके स्टडी मटेरियल में दे सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट पैकेज में, वैसे फर्स्ट पैकेज में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे वहाँ पे क्वेश्चन, लेकिन आपके फर्स्ट पैकेज, सेकंड पैकेज, थर्ड पैकेज, ऐसे करते करते आपके हर सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो ये आपका माइक्रोबायोलॉजी है दोस्तों। फिर पैथोफिजियोलॉजी है, जिसमें आपके सेल इंजरी एंड अडाप्टेशन, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन रिपेयर, डिसऑर्डर ऑफ फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट, डिसऑर्डर्स ऑफ होम्योस्टेसिस, इम्यूनोपैथोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज, न्यूप्लास्टिक डिजीज, पैथोफिजियोलॉजी और लेबोरेटरी टेस्ट फॉर लीवर फंक्शन। फिर दोस्तों फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में आपका देखो पूरा, तो जो ब्रह्मांकर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना इसमें ही बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसके चैप्टर हम आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हुए चल रहे हैं, और आपके फर्स्ट पैकेज में ही इसके जो चैप्टर्स हैं वो आपके कुछ चैप्टर्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एक्सप्लेनेटरी वे में, कहने का मतलब उनको समझाते हुए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि वो चीज़ें आपको एब्जॉर्ब हो जाएँ, और जब आप एमसीक्यूज करोगे तो वहाँ पे आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। तो बायोलिबिलिटी एंड बायोक्लेंस है, बायोफार्मास्यूटिकल स्टेटिस्टिक्स है, क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरापेटिक, ह्यूमन एटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में ब्लड फ्लो, हीट ट्रांसफर, इवेपरेशन, डिस्टिलेशन इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग, साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन और मिक्सिंग, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेटेड प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्रियल हजार्ड्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशन। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की बात करें तो ये कुछ खास सब्जेक्ट नहीं है जिसमें से बहुत क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते आपका, इसमें ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, फिर गैट है,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। फिर दोस्तों आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। तो इसमें बात करें तो दोस्तों जो आपका पैकेज आने वाला है इसमें दो वीडियो में आपका ज्यूरिसप्रूडेंस कवर किया गया है, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरह की वीडियो आपके फर्स्ट पैकेज में ही आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो आपका ज्यूरिसप्रूडेंस वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह जो आपको बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी ये सब सब्जेक्ट हैं वो धीरे धीरे आपको एक बराबर वे में आपको वहाँ पे एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के वहाँ पे कुछ चैप्टर, जैसे तीन चैप्टर आपके फार्माकोलॉजी के आ गए, ठीक है, आपके फिर फार्मास्यूटिक्स के आ गए वहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिर आपके ये जो मिसलिनियस सब्जेक्ट है ये आ गए। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोपोर्शनेट वे में पैकेज में प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपका सिलेबस एक आसान वे में चले। ऐसा ना हो कि हमारे प्रोवाइड करने और जो स्कूल सिस्टम आपको धीरे धीरे आपका सिलेबस बढ़ाता जाता है तो उसमें कोई फ़र्क ना रह जाए। तो इसलिए आपको एक सही वे में वहाँ पे आपको जो मटेरियल प्रोवाइड होगा ताकि जब हम अगला आपको पैकेज वहाँ पे प्रोवाइड करें तो उसके बीच में जो समय मिले उसमें आप वो पैकेज, फर्स्ट पैकेज आप आसानी से कर सको, ठीक है। तो हमारा मोटो ये है। तो ये है दोस्तों आपके ज्यूरिसप्रूडेंस के। इसमें आप जानते हो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से कौन सा फॉर्म भरा जाता है, कौन सा फॉर्म नहीं भरा जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं। जैसे फॉर्म 23A, फिर आपका मतलब कि एक्सेप्ट करके जो ड्रग है, मतलब C1 ड्रग के लिए है लेकिन वहाँ पे आप एक्स ड्रग के लिए नहीं है वो, या एक्स ड्रग के लिए, तो वो कौन कौन से फॉर्म भरे जाते हैं, तो ये सब बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी वहाँ पे। फिर डिस्पेंसिंग और हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें तो ये बहुत खास इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका नहीं है। इसमें आपका प्रिपरेशन और फॉर्मुलेशन इन्वॉल्विंग एलिगेशन, अल्कोहल डाइल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फिर आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी एमोबिक ड्रग, हिस्टामिनिक ड्रग, इमिटिक ड्रग्स, ये सब चीज़ें हैं। इसमें कंपाउंड एंड डिस्पेंसिंग ऑफ फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन, तो मिक्सचर, सॉल्यूशन, इमल्सन, ये मैंने आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। लोशंस, लिनिमेंट्स, पाउडर, ग्रैन्यूल्स, सपोस्ट्रीज, ऑइंटमेंट्स, क्रीम, प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। तो दोस्तों ये है आपका पूरा सिलेबस और आप समझ गए होंगे कि सिलेबस की लेंथ पे मत जाइए, उसकी डेप्थ पे मत जाइए, बल्कि ये समझिए कि आपको कौन कौन से वहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट वहाँ पे छोड़ने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है, ये समझना है कि 500 में से आपके 150 नंबर पे सिलेक्शन क्यों हो जाता है और वो बच्चे कौन से होते हैं जो वहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों वो समझ जाते हैं कि स्ट्रेटजिक वे में पढ़ना है, पूरा वास्ट सिलेबस को नहीं लेके चलना है कि आप एक एक चीज़ लेके चल रहे हो, पूरा एक सिलेबस पढ़, आपने पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ गए और उसमें से एक या दो क्वेश्चन आया, तो ये सब बेवकूफ़ी है। तो इन सब को हटाने के लिए दोस्तों हमारी गाइडेंस का आप सहायता ले सकते हैं। गाइडेंस हमारी रहेगी दोस्तों और स्ट्रेटजिक वे में रहेगी आपके लिए, वहाँ पे लेंदी या लेथार्जेटिक वे में सिलेबस या जो आपके स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको ज़रूरी है दोस्तों ये समझना कि हमसे आप बने रहें, जुड़े रहें और जो रैंकर सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाती है उसको भी बराबर देखते रहें। आपको एक परसिस्टेंस वे में चलना है, वही सफल होता है दोस्तों जो बराबर चलता रहता है, कहने का मतलब जो बराबर स्टडी करता रहता है। अगर आप एक दिन में 5 घंटा या 12 घंटे भी पढ़ लेते हैं और 3-4 दिन तक कुछ नहीं पढ़ते हैं तो दोस्तों वो जो होते हैं वो बहुत ही मुश्किल होता है, बाई लक ही वहाँ पे पास हो पाते हैं। लेकिन आप रेगुलर वे में 1 घंटा ही वहाँ पे दे रहे हो और बराबर आप देते जा रहे हो तो आपके जो घंटे हैं, जो आपका स्टडी है अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका यहाँ पे जो रैंकर्स वे में क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको आप बराबर लगाते रहो, भले ही वो 50 हैं, 60 हैं, 30 हैं या 100 हैं, आपको वो बराबर लगाते जाना है, उनको नोट डाउन करते जाना है और आप देखोगे धीरे धीरे करके आपके पास हज़ारों के नंबर पर क्वेश्चन वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा तो उस पे से भी आप शॉर्ट, स्लो एंड स्टडी वे में आपको चलना है, ठीक है, आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। अब बराबर दोस्तों मेरा उनसे अनुरोध है कि जो लोग जैसे मुझे कह रहे हैं कि मतलब कि मैं उनके साथ मिल जाऊं या जो क्या कहते हैं कोलैबोरेशन करके चलना चाहते हैं मेरे साथ, तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल द्वार खुले हैं। लेकिन आपको भी अपने कंटेंट यहाँ पे ऐसे नहीं रखने हैं कि हम लोग मतलब कि
कि वहाँ पे पैसे बनाने की ऐसे सोचें, बल्कि हमको ऐसे चलना है कि जो हमारे ये फार्मेसी कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, एक तरह से छोटे भाई बहन लोग हैं, तो इनका भी सिलेक्शन वहाँ पे हो। हमें ब्लेसिंग्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि यहाँ पे मनी की ज़रूरत है। जैसे आप लोगों के मैसेज आते रहते हैं, आप लोगों का भले अभी जो चैनल है वो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में होगा, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो जैसे कि मेरे पास पहले से भी बहुत लोगों की क्वेरी आती रही कि हाँ आप जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे, आप हमारे साथ होके चलिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल आप सही कर रहे हो। इससे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा फार्मेसी का, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन ये जानना ज़रूरी है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे कोई कमाई के लिए कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें जब ब्लेसिंग्स मिलेगी उससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। तो अगर आप सही में एक प्रोग्रेसिव वे में चलना चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन भी हो, कहने का मतलब एक अच्छी वीडियो उनके लिए डाली जाए, तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। तो फिलहाल दोस्तों, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और हमसे यूं ही जुड़े रहिए। और इस व्हाट्सएप पे आप हमसे कोई भी क्वेरी या डाउट है तो वहाँ पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई भी आपको बहुत आसानी से मिलता है, जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।